हेलो गाइस, हम जा रहे हैं सकमरी हमारे दोस्त के साथ में। आज के लड़ा मखाना पे काट कटा तेरी सुने ये दिल तुमसे मिले दो दिन हुए फिर क्यों लगे ना दिल। साकंबरी मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम, है ना। ये हमारा दीपक है, ये दीपक भाई है। अरे एक गाल है ऊपर बजा दे। मैं तेरे खातिर भाई बहुत काम कर रहा हूँ। ये हम शिखर पहुंच चुके हैं आखिरकार। देखिए वही पास है, ये हमारे दीपक अग्रवाल पबजी खेलते हुए और इसके साथ ही ये भी पबजी खेलते हुए दोनों लगे हुए हैं साथ में। देखिए आखिरकार हम शिखर पहुंच चुके हैं। ये हमारे दीपक अग्रवाल जो पबजी के शानदार प्लेयर जो पबजी खेल रहे जबरदस्त तरीके से। देखिए धीरे धीरे बढ़ते कोई बंदा भी नहीं आ रहा इनके पास में कंधे, क्योंकि डर लगता है इनको पबजी फिर भी खेल रहे हैं। हाँ, और ये भी साथ में खेले क्योंकि इनको दो बार तो आउट कर दिया है बम से दीपक अग्रवाल ने। सक्रिम का भंडारा यहाँ पे देखिए, मंडारी में लोग तो कम है तो बोला सब। ये सकमरी के फावड़े हैं, राम रमी करो। राम का नाम में बहुत कम लिया करना। अटे तो ध्यान है क्या की जय बोली जय है माल खेत बाबा की। माल खेत बाबा की जय हो। देख ले क्यों फर्जी ऑटो उठा लिया आज जी। क्या कर रहा हो जी? भंडारा है बहुत खराब है। रतिनाथ जी को और भंडारा आ गया बड़ा पार्टी। हां आ गया वेट आ जा बता दे। देखिए शानदार नजारा पहाड़ों का। ये देखिए हमारे तीन बंदर गांधी जी वाले तीन बंदर। बुक्कड़ बहुत अच्छे तरीके से। ये फर्स्ट बुक्कड़, ये सेकंड बुक्कड़, ये थर्ड बुक्कड़ अभी खाना चालू नहीं किया है, अभी खाएंगे। ये देखिए शानदार नजारे पहाड़ों के। देखिए पहाड़ों का नजारा लेके अब हम वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, वो आगे का सफर तय करने के लिए तैयार हैं। तो फाइनली गाइस आप सब आ जाइए। यहाँ पे बहुत मजा आते हैं, बहुत मजा आ रहा है पहाड़ों का और कुछ भी मजा आते हैं बहुत बहुत। वैसे भी बहुत मजा आता दोस्त भाई पाठक। देख के हम संकमरी आ चुके, हम संकमरी में आ चुके नागकुंड के पास। सब जा रहे हैं नागकुंड के पास में। देखिए पहाड़ से तीन मंदिर भागते हुए आगे दो, एक तो रुक चुका है, दो भाग रहे थे कि नहीं ये तो हमारे बहुत खास है। दो बंदर देखिए वो रे पकड़ते हैं उनको उनको पकड़ो 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 पकड़ो। ये रे बंदर दो देखिए इतनी इन्हें जी तीनों में
इसलिए इतनी दूर बाकी आई सिर्फ। ये जा रहे हैं नागकुंड के पास, वहाँ पे देखिए हम नागकुंड के पास पहुँचने वाले हैं। तीर्थयात्रा पे आए हुए हैं हमारे ये, बहुत ज़्यादा 2-4 दिन से चल रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, देखो कितने पत्थर अजीब अजीब, धीरे धीरे उतरना पड़ रहा है इनको। देख सकते हैं आप आज झरना बहते हुए की क्या गौर से, हाँ यहाँ पर है नागकुंड है। ये देखिए नागकुंड है यहाँ पे। अब आगे जाके ना ऊपर झरनो है, ऊपर ऊपर झरनो को नहीं मतलब ऊपर वो पानी निकाल रहे हैं। हम ऊपर जा रहे हैं झरना देखने के लिए। चल रहे हैं आगे धीरे धीरे, देखिए फाड़ रहे हैं यहाँ पर। चल रहे हैं हम, चल रहे हैं यहाँ पे नागकुंड को ऊपर से देखेंगे झरना बहता हुआ। देखो पहाड़ों में चल रहे हैं, मंदिर पे वो रह रहा है पानी भेड़ो बिक माए आगे है ये यहाँ पर है झरना, ऊपर से झरना बह रहा है। वो देखो है ना बिन गिरे मजा ही कर जाए वो। देखिए वो रहा झरना ऊपर से झर रहा है। जमीन गिरे आके मजा ही। ये देखिए यहाँ पर झरना, ये है नागकुंड यहाँ पर ऊपर ऊपर से आता है पानी यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत बीच में सी वहाँ पे से बहुत गहरा आएगी इसलिए वहाँ पे नहीं जा सकते। खतरा है आगे, खतरा यहाँ पे लिखा हुआ भी है खतरा। इस नागकुंड में देखिए 2-3 मौत होती है, यहाँ 5 फीट गहरा गड्ढा है लिखा हुआ है यहाँ पे। दीपक गौर से उसको करते हुए देखिए कितने शानदार नज़ारे। देखिए ये देखिए हम जा रहे हैं अब, पानी झरना कहाँ से बह रहा है वो देखने के लिए। देखिए भगदड़ लग चुकी है, भाग रहे पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। देखिए कितना ऊंचा हम बहुत चढ़ रहे हैं, देखो मुश्किल से। ये रहे हमारे साथी, हम भी चढ़ रहे हैं साथ में। देखिए मुश्किल से चढ़ रहे हैं हम, आपको दिखा रहे हैं कितना मुश्किल रास्ता ये, बहुत मुश्किल है। बहुत दूर जोर आ रहा है यहाँ पे, हमारे दीपक तो थक चुके हैं। और आगे हम दिखाएंगे आखिरकार हम चढ़ चुके हैं ऊपर। देखिए कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ पे। देखिए बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है आपको, देख सकते हैं हम जा रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे झरना कहाँ से बह रहा है, वहाँ पे चल रहे देखो कैसे पसीने से लब तक पहुँच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा पे हो गया भैया आप? हाँ जी, ये पहाड़ देख लो पानी आ रहा है देखो ऊपर से, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। देखो आ चुके हम नागकुंड, देखे ये जा रहे हैं हमारे साथी और हम भी जा रहे हैं पीछे पीछे। ये देखिए हमारे कितने परेशान हो चुके, थक चुके हैं वो तो, एक का तो पता ही नहीं कहाँ चल रहा है कैसे चल रहा है। ये देखिए